सिंगरौली पुलिस ने एचएनसी कंपनी के डायरेक्टर एवं मैनेजर को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फरियादी दिलीप शाह की पॉलिसी के पूर्ण होने के बाद भी कंपनी ने उनका पैसा वापस नहीं किया और कंपनी ऑफिस बंद कर भाग गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक वीरेन सिंह ने बताया कि एचएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर शेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का ऑफिस 2016 तक कॉलेज चौराहा बिलौजी बैठन में संचालित था। दिलीप शाह ने आवेदन दिया था कि उनकी परिपक्वता राशि पूर्ण हो गई थी, इसके बाद भी उनका पैसा वापस नहीं किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी राम नरेश साकेत एवं पूजन लाल साकेत सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंपनी ने अन्य जिलों में भी अपना ऑफिस खोलकर लोगों से काफी पैसा जमा कराया है। आरोपियों के पास से 2 गाड़ियां, 40 एकड़ से ज्यादा जमीन की खरीदी के प्रमाण भी मिले हैं। इनकी संपत्ति को नियमानुसार बेचकर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को वापस की जाएगी। उन्होंने कहा, लोग ऐसी चिटफंड कंपनी के लालच में ना आए, ऐसे लोगों से सावधान रहें। एक एचएनसी नाम की चिटफंड कंपनी है, यहाँ वर्ष 2011-12 के बाद ये संचालित थी और इस कंपनी ने लोगों को प्रलोभन दे करके कि हम 6 वर्ष और 3 माह में आपका जो भी निवेश की राशि है उसको दोगुना कर देंगे। बड़ी संख्या में लोगों से राशि निवेशित कराई थी। ऐसे 30 फरियादियों की शिकायत पुलिस में हुई थी और कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर एक चिटफंड कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था मैडम थाने, और वो प्रकरण विवेचना में था। इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो रीवा के रहने वाले हैं। बैडन की पुलिस लगातार FIR करने के बाद से आरोपियों की तलाश कर रही थी और इसी तारतम्य में 2 लोगों को, एक पूजन शाह पूजन लाल साकेत और एक नाम राम नरेश साकेत, 2 लोग हैं ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इनको पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।